नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है, एकदम नए तरीके से बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये हमने केक का बर्तन लिया है, छोटा वाला लिया है ये हमने। इसको ग्रीस करके अच्छी तरह से बटर पेपर भी लगा दिया है, ये मैंने बटर से ही ग्रीस कर लिया था। 1 कप मैदा लिया है और आधा कप हमने पिसी हुई चीनी ली है। 1 कप दूध लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पर और 1/4 कप हम बटर लेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। 3 टेबल स्पून हमने ये कोको पाउडर लिया है और ये बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है। काजू बादाम लिए हैं हमने, उनको काट लिया है। और एक बर्तन लिया है और एक छन्नी रख दी है। और सबसे पहले हम सूखे इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने मैदा ले लिया है, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और ये चीनी ली है पिसी हुई। इन सबको हम अच्छे तरह से छान लेंगे, ये छानना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए हमने इस तरह से सारा छान लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार। अब इसमें हम मेल्ट किया हुआ बटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस डाल देंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से, वनीला एसेंस अच्छे से मिल जाएगा। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर को हमें पतला नहीं करना है। अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब इसको हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। अब बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हाथ से नहीं करेंगे। इस तरह से हमें घुमाना है इसको। ये थोड़ा सा दूध हमने और डाल दिया है और 3-4 चम्मच बचा है दूध, नहीं तो 1 कप पूरा लग गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह से गिरना चाहिए एकदम, ये परफेक्ट है एकदम। अब इसमें थोड़े से काजू बादाम भी डाल देंगे। आप अपने मनपसंद कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। और दोस्तों हमने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, 35 मिनट के लिए बेक करना है इसको। ये देखिए हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं मिलाएंगे, बीच में कट का निशान देते जाएंगे इस तरह से। हमारे केक एकदम फूला हुआ बनेगा इस तरह से। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम केक के बर्तन में डाल देंगे। ये दोस्तों केक का बर्तन मैंने छोटे वाला यूज़ किया है, ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। अब इसको हल्का हल्का टैप कर लेंगे इस तरह से, बबल्स होंगे तो वो निकल जाएगा जो भी होगा। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी डाल दूंगी, इसे देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी तो लगता ही है बढ़िया। ये देखिए दोस्तों अब हम डाल देंगे ओवन में इसको, क्योंकि प्रीहीट हो चुका है 180 डिग्री सेल्सियस पर। देख सकते हैं दोस्तों ये कितना फूल गया है, अभी 5 मिनट बचे हैं, बाकी पूरे 35 मिनट पकाएंगे हम इसको। 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसको निकाल लूँगी। ये कंप्लीट हो चुका है, अभी काफ़ी गर्म है, ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। गर्म में निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। दोस्तों ये ठंडा हो चुका है, इसकी साइड से हटा लेंगे एक चाकू की सहायता से। एक प्लेट लेंगे, इसको उलट देंगे इस तरह से, हल्का सा टैप करेंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये बटर पेपर हटा देंगे हम इसमें से। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया बना है, एकदम स्पॉन्ज बना है। एक एक जाली देख सकते हैं आप, सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही लाजवाब बना है, मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल भी चिपचिपा गिलगिला नहीं है ये।
मैं निकाल के दिखा रही हूँ इसका पीस। देखिए दोस्तों, दिखा रही हूँ मैं कितना स्पॉन्जी है ये, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका। देखिए चारों तरफ से कितना बढ़िया बना है ये। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना दिख रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है ये देखने में। एगलेस चॉकलेट केक बन करके तैयार है। आप इसे चॉकलेट सिरप, वनीला आइसक्रीम किसी के भी साथ खा सकते हैं, दूध, चाय, कॉफ़ी इससे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और दोस्तों बच्चों को तो ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और तो दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप, जब आप केक को आप ओवन में डालेंगे तो ओवन का ढक्कन बार बार ना खोलें, इससे क्या होता है आपका फूला हुआ केक भी बैठ जाता है। दोस्तों 30 मिनट हो जाए तब आप केक को चेक करें तो आपका केक भी एकदम ऐसे ही फूला हुआ बनेगा। आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।